गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एरोस इज अ व्लॉग। तो गाइस स्वागत है आप लोग का मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने जो माइक मंगवाया था बोया का BY-M1, तो उसका अनबॉक्स करने वाला है। और साथ में मैंने हेडफोन जैक एडेप्टर भी लिया है। ये माइक है बोया का BY-M1 और ये सैमसंग का ओरिजिनल लिया था मैंने मोबाइल में लगाने के लिए माइक। तो ये आया था 700 रुपये का और ये बोया का माइक आया था 500 रुपये का। अभी दिवाली सेल चल रही है तो ये थोड़ा सस्ता है तो मैंने मंगवा लिया है। तो उसका अनबॉक्स करने वाला है फिर बाद में। ये रहा अपने पास हेलमेट और ये रहा होल्डर। तो इसमें माइक लगा के हम लोग चेक करने वाले हैं कि माइक अच्छा काम करता है, नॉइस कैसे कैप्चर करता है वो देखने वाले हैं। पहले बोया का माइक अनबॉक्स करते हैं, बाद में हेडफोन जैक एडेप्टर अनबॉक्स करते हैं। तो चलो अनबॉक्स करते हैं। तो अच्छे से पैक किया हुआ माइक बोया का, ये देख लो यहाँ पे बोया का माइक, बोया कंपनी। और इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये थैली आई है और डॉक्यूमेंट आए हैं। ये देख लो बोया का एक 4 पेज की चौपड़ी आई है, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये थैली में क्या है वो देखते हैं। तो यह गया माइक। तो ये 6 मीटर लंबा माइक है, 6 मीटर लंबा वायर है। और ये देखते हैं, तो ये आ गया सेल, ये आ गई पिन, इधर लटकाते हैं माइक तो ये यूज करते हैं तो अच्छा रहता है। और ये आ गई गोप्रो में लगाने की पिन। और ये माइक का कवर, इसको क्या बोल रहे हैं इतना ज़्यादा हमको मालूम नहीं है, ये माइक पे लगाते हैं। ये देखो लगा लिया और मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस ये देखो बोया का, यहाँ पे बोया लिखा हुआ। और यहाँ पे ये मैंने सेल दिखाया था, तो यहाँ पे सेल फिट करने का अंदर आता है, ये देख लो यहाँ पे आता है। और ये बटन दिया गया है, स्मार्टफोन से वीडियो शूटिंग करते हैं तो स्मार्टफोन का बटन नीचे कर देने का, और कैमरे से शूटिंग करते हैं तो ये बटन ऊपर कर देने का कैमरे का, तो उस हिसाब से काम करता है। और ये वायर बहुत लंबा है, ये देख लो इतना ज़्यादा लंबा है। तो ये 6 मीटर का लंबा वायर है। तो और ये हेडफोन जैक एडेप्टर का अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हेडफोन जैक एडेप्टर है, ये रहा इतना छोटू सा है लेकिन 700 रुपये का लिया था। तो ये रहा हमारा फ़ोन, आप शूट कर रहे हैं वो सैमसंग S21 FE। तो इसमें 3.5mm जैक नहीं आता था, माइक लगाने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए ये लेना पड़ता है। तो ये लिया था हमने, ओरिजिनल ही लिया था, डुप्लीकेट नहीं लिया था। तो ये 700 रुपये का आया है और इसकी 6 मंथ की गारंटी है। तो बिगड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर केयर में से जाके बदल लेंगे। तो ये यहाँ पे लगता है, ये पिन यहाँ पे लगती है। और ये पार्ट है ना, वो मोबाइल के जो चार्जिंग पोर्ट आता है उसमें लगता है। तो गाइस ये माइक अपने हेलमेट में यहाँ पे फिट हो गया अंदर। तो पहले माइक फिट करते हैं, फिर बाद में बाइक राइड करते हुए बात करते हैं दूसरी। बोया का माइक अच्छा रहता है ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो नॉइस अच्छे से कैप्चर कर पाता है ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग अभी टेस्ट करते हैं कि कैसा माइक आता है, नॉइस कितनी ज़्यादा तक कैप्चर कर पाता है वो देखते हैं। तो अभी माइक लगाते हैं और राइड पे जाते हैं। तो गाइस ये माइक हेलमेट में लगा रहे हैं, तो यहाँ से हेलमेट में ये वाडड़ी निकलता है, तो इसके बीच में लगाने वाले हैं। तो अभी टेस्ट करने वाला है तो टेम्प्ररी लगाने वाले हैं, और एक बार अच्छा निकला तो फिर उसको फिक्स कर देने वाला है अंदर पूरे खोल के, लेकिन अभी आधा ही खोल के लगाने वाले हैं। तो अपना भाई लगा रहा है, ये देखो। हमने माइक तो वैसे चेक कर लिया है बोलते समय कि चालू है कि बंद है, तो अब बाइक पे टेस्ट करना बाकी है।
तो अभी ये माइक लगाते हैं, फिर बाद में बाइक पे टेस्ट करते हैं। वायर भी बहुत लंबा है, 6 मीटर का, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं, लगा लेंगे। जैसे तैसे जुगाड़ करके लगा तो रहा है अपना भाई। तो यहाँ पे माइक छुपा दिया है, और चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये हेलमेट में माइक लग गया है, तो अभी राइट पे देखते हैं कि ये बोया का माइक इतना ज़्यादा नॉइस को डाउन कर देता है, और वो अच्छा है तो हम लोग रख लेंगे, वरना रिटर्न कर देंगे नॉइस ज़्यादा आया तो। तो हमें सिर्फ नॉइस की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देखा लेकिन बोया का माइक मंगवाया, अच्छा सब लोग बोल रहे हैं, तो और हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कितनी नॉइस ज़्यादा कैप्चर कर पाता है बोया का माइक। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस हम लोग अपने माइक लगा के अपना होल्डर मोबाइल फिट करके हेलमेट पे, और हम लोग आ गए हैं अपने माइक का और एडेप्टर का टेस्ट करने के लिए कि नॉइस कैसा कैप्चर करता है। क्योंकि सही बात बोले तो सही में यही बाइक पे ही पता चलता है कि नॉइस कैसे कैप्चर करता है, क्योंकि हम लोग टेस्ट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस आता है। तो हमने ये बोया का माइक मंगवाया है और अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बोया का माइक अच्छा आता है, और हमने मंगवाया है। अभी थोड़ा सेल चल रहा है दिवाली का, तो 500 रुपीज़ का मंगवाया है। तो अभी हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट करके ही पता चलता है, क्योंकि 7 डे में रिटर्न करना पड़ता है। तो 7 डे हो जाएगी तो फिर रिटर्न नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं निकला तो। तो अभी हमें सिर्फ मोबाइल तो अच्छा है, मैंने सैमसंग S21F लिया है, कैमरा भी वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और अभी सिर्फ हमको ये दिक्कत हो रही थी कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारे पास अच्छा माइक नहीं था। नॉइज़ ज़्यादा आती है तो वैसे बाइक स्लो करके बोलना पड़ता है, तो ज़्यादा टेस्ट हम लोग जा नहीं पाते हैं। देखते हैं क्या होता है, अपना माइक कैसे काम करता है, क्योंकि बोया का माइक मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखा है यूट्यूब पर कि बोया का माइक बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नॉइस कैप्चर करता है। तो इसमें गोप्रो और मोबाइल का है भी दोनों का बटन दिया गया है। गोप्रो में व्लॉग बनाना हो कैमरे में तो उसका बटन कैमरे पे ऑन रहेगा, तो उसमें सेल भी आता है, एक्स्ट्रा दिया गया है, उससे चलता है। और स्मार्टफोन में तो डायरेक्ट ही आता है स्मार्टफोन पे बटन का देने का, हम लोगों को तो अभी पता नहीं चलेगा, वीडियो एडिट करते समय पता चलेगा। तो आप लोगों को कैसा आवाज़ आ रहा है वो आप लोगों को मेरे को कमेंट कर देने का। तो अभी हम लोग 40 के करीब जा रहे हैं स्पीड पे, तो अभी 80 तक जाएंगे तो आप सही पता चलेगा, क्योंकि अपने बाइक भाई ले गया है जॉब पे, तो मैं अपने पापा के बाइक लेके आया हूँ। तो इसमें स्पीडोमीटर अभी चालू नहीं है, तो मैं आप लोगों को अंदाज से बता दूँगा। तो ये अभी हम लोग अंदाज से 50-60 के करीब पहुँचे हैं। ये और टेस्ट बाइक कर दी है हमने, ये हो गई 70-80 के करीब हो गई है। तो आप लोग हिसाब लगा लो कि माइक कैसा काम कर रहा है, नॉइस कैसा कैप्चर कर पाता है, नॉइस को डाउन कर देता है कि नहीं कर देता है, आप लोगों को वीडियो देखते हुए पता चल जाएगा। तो 85-90 तक तो हम पहुंच गए हैं, तो अभी
बाइस लो कलर है गाइस। अभी मैं बोया BY M1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये माइक हमने मंगवाया है। तो ये माइक कैसा है आप लोगों को ये वीडियो से पता चल गया होगा, और हम भी एडिट करते समय हमको भी पता चल जाएगा कि कैसा है बोया BY M1। तो एक बात बोलना चाहूँगा कि अब ये माइक अच्छा रहा, नॉइस बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएगा। तो नेक्स्ट वाले व्लॉग जितने भी आएंगे बहुत धड़ाकेदार आने वाले हैं, क्योंकि मैं बाइक फांस या धीरे चला के बोलूँगा फिर भी आप लोगों को नॉइस नहीं सुनाई देगी, तो मेरा अच्छे से आवाज़ आएगा और मैं भी आप लोगों से अच्छे से बात कर पाऊँगा। तो सिर्फ नॉइस की दिक्कत थी। तो अभी बोया BY M1 माइक कैसा है वो आप लोगों को ये वीडियो से पता चल गया है और मुझे भी चल जाएगा। तो ऐसा ही सपोर्ट करते रहो, जितना हमसे बन पाएगा उतना अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी आवाज़ सब अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। 1K के करीब पहुंच गए हैं, तो अभी 1K पहुंचा दो, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमको भी अंदर से मेहनत करने का इंसान जाग जाता है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।